सब्सक्राइब कीजिए वैदिक ज्योतिष चैनल को और साथ ही बेल आइकन भी दबा दी ताकि नए वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। जय संतोषी माँ। दोस्तों स्वागत है आपका वैदिक ज्योतिष में। जानते हैं आज क्या कहती है आपकी राशियाँ, कैसा रहेगा आपका दिन। शुरुआत करते हैं आज के सुविचार से। दौलत तो विरासत में भी मिल सकती है, लेकिन पहचान अपने दम पर ही बनानी पड़ती है। कौन क्या कर रहा है, कैसे कर रहा है और क्यों कर रहा है, इन सब से जितना दूर रहोगे उतने ही खुश रहोगे। सबसे पहले कठिन काम करना चाहिए, आसान काम अपने आप होते जाएंगे। आज का पंचांग 16 जनवरी 2021 दिन शनिवार, पौष मास के शुक्ल पक्ष के तृतीय तिथि सुबह 7:46 तक रहेगी। इसके उपरांत चतुर्थी तिथि प्रारंभ हो जाएगी। शतभिषा नामक नक्षत्र सुबह 6:09 तक रहेगी। इसके उपरांत पूर्व भाद्रपदा नामक नक्षत्र प्रारंभ हो जाएगी। आज का राहु काल अर्थात दिन का सबसे अशुभ समय सुबह 9:55 से 11:16 तक रहेगा। आज का अभिजीत मुहूर्त अर्थात दिन का सबसे शुभ समय दोपहर 12:15 से 12:58 तक रहेगा। आज चंद्रमा कुंभ राशि पर संचार करेगी और आज सूर्य मकर राशि पर रहेंगे। वृषभ राशि 16 जनवरी 2021 दिन शनिवार, आपको अपनी स्थिति विशेषकर वित्तीय स्थिति पर अच्छी तरह विचार करने की आवश्यकता है। बहुत खर्च करने में आनंद आ सकता है, लेकिन इससे आपके परिवार की वित्तीय स्थिति पर भी बुरा असर पड़ सकता है। आपको यह जानना होगा, जहां तक वित्तीय स्थिति का सवाल है, आपको ठंडे दिमाग से काम लेते हुए और परिजनों की बात भी सुननी चाहिए। आज पारिवारिक तथा सामाजिक स्तर पर आपका वर्चस्व बढ़ेगा। आपके ऊपर कुछ महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां आएगी। पैसा आने के साथ साथ वैव की भी स्थिति बनी रहेगी, परंतु आर्थिक स्थिति संतुलित रहेगी। कुछ नजदीकी लोगों के साथ पारिवारिक गेट टुगेदर हो सकती है। पैसों के मामलों में आज के दिन आपके लिए विशेष लाभदायी रहेगा। पैसों से संबंधित चिंता आपकी कम होने लगेगी, जिसकी वजह से व्यक्तिगत प्रगति की तरफ आप ध्यान दे सकते हैं। परिवार के कुछ व्यक्तियों के साथ आपकी नाराजगी बनी रहेगी, फिर भी संवाद बनाए रखने की कोशिश करते रहें। विदेश में रहने वालों के लिए नौकरी के नए अवसर प्राप्त होंगे, फिर भी समझौता करते समय दस्तावेज ठीक से पढ़ लें। सावधानियां, आर्थिक निवेश संबंधित बातों पर दोबारा विचार अवश्य करें। दिन की शुरुआत में ही कुछ तनाव की स्थिति रह सकती है। भाइयों के साथ मतभेद होने की आशंका है। ज्यादा दिखावे की प्रवृत्ति से बचें तथा अपने क्रोध पर नियंत्रण रखें। बात करते हैं लव लाइफ की। पारिवारिक सदस्यों के साथ खरीदारी संबंधित प्रोग्राम बनेंगे। एक साथ उचित समय बिताने से सभी को खुशी महसूस होगी। भाग्य लक्ष्मी और पोषण से संबंधित ग्रह आज आपकी राशि में चमक रहे हैं। अपने प्यार को एक आनंद दायक अनुभव से रूबरू कराएं। अपने प्यार को महसूस कराएं कि वे आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं। ग्रहों की स्थिति आपके प्यार के जीवन की रक्षा करेगा। यह समय प्रेम में डूबने का समय है। आज आपको अपने साथी के साथ कुछ निजी और अंतरंग समय मिल सकता है। बात करते हैं करियर की। आपकी कड़ी मेहनत और धैर्य के लंबे इंतजार का फल आपको मिलने जा रहा है और एक बड़ा अवसर आपके करियर को आगे ले जाने के लिए आपको मिल सकता है। अतः आपको अपने इंतजार का लाभ मिलना शुरू हो जाएगा। हालांकि अन्य लोगों के योगदान को याद करें और ना भूलें और उनके साथ सदा विनम्र रहें। यह न केवल आपको लोकप्रिय बनाएगा बल्कि आपके भविष्य में भी मदद देगा। अपने कार्य करने की प्रणाली में थोड़ा बदलाव लें। आपको अपनी मेहनत के अनुरूप उचित परिणाम हासिल होंगे। नौकरी पेशे लोग अपने कार्यों के प्रति ज्यादा सजग रहें। बात करते हैं सेहत की। कई दिनों से अच्छी नींद ले पा रहे हैं,
लेकिन कुछ दिन और ऐसा ही चलता रहा तो आपको अनिद्रा की बीमारी हो जाएगी। इसीलिए बिस्तर से उठने और सोने का एक निश्चित कार्यक्रम बनाएं और अच्छे से उसका पालन करें। बेहतर मार्गदर्शन के लिए अपनी अंतरात्मा की आवाज सुने और माने, जो आपको इन्हीं बातों का ध्यान रखने को कहेगी। अपने सेहत का पूरा ख्याल रखें, ठंड से बचें। आज का उपाय, आशा पीपल के पेड़ पर जल अर्पित करें, शुभ रहेगा। दोस्तों, वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। जीवन में हमेशा सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ते रहें। आपका दिन शुभ हो।